हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने सरसों का तेल कुकर में डाल दिया है। उसके बाद तेल गर्म हो चुका है मेरा, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, ये है एक कटी हुई प्याज, और इसके अंदर ये दो हरी मिर्च काट ली मैंने। तो इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे प्याज मेरे भुन चुके हैं। अब मैं डाल दूंगी टमाटर, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी, नमक, जब तक वो मसाला मेरा रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे सब्जी काट लूंगी। और पहले पानी डालना है, बाद में ये कट करने हैं। ऐसी सब्जी होती है बैंगन की हम पहले से काट के नहीं रख सकते, वरना इनका कलर एकदम चेंज हो जाता है, अच्छा सा नहीं लगता, मतलब देखने में ही अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से टेस्ट तो शायद नहीं चेंज होता होगा, लेकिन कलर वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता। और वो बात है ना कि खाना पहले आँखों से खाया जाता है, बाद में मुँह से। और बस इतनी ही सब्जी मैं बनाऊंगी, बिल्कुल थोड़ी सी। ये भी मैंने बचा ली है, किसी दिन मिक्स में डाल दूंगी, क्योंकि मैं बैंगन बिल्कुल नहीं खाती, कभी भी नहीं खाती मैं, मुझे बैंगन पसंद ही नहीं है। और कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है कि जो मैं ना खाती हूँ, लेकिन बस ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये रेडी हो जाने के बाद मैं सबसे पहले डाल दूंगी ये आलू। अब मैं डाल दूंगी ये बैंगन। थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही भून लेती हूँ। यहाँ पे ये सब्जी मेरी भुन चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बस लगभग एक घूंटी पानी मैंने डाला है, ज़्यादा पानी की नहीं बनानी मुझे, क्योंकि सब्जी ज़्यादा करने नहीं है मुझे। आप चाहो जैसे उसको बना सकते हो, बिल्कुल सूखी भी बना सकते हो, एक घूंटी में हो जाएगी ये। और आप चाहो तो भाई ऐसी मेरे जैसी भी बना सकते हो। वैसे ये टेस्टी ज़्यादा इस वाले में लगती है, मैंने सुना है ऐसा, मैंने कभी खाई नहीं है, मतलब वो वाला टेक्सचर हो जाता है इसका, वो जो कहते हैं ना हरियाणा में रिपटमा सी सब्जी, तो वो हो जाती है ये। तो चलो इसमें दो सीटी लगवा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। रात को वो मैंने सब्जी बनाई थी, तो उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। तो आज मुझे याद आया कि नहीं, पहले तो मैं सोच रही थी कि वो जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाती हूँ, फिर मुझे लगा कि जिसको भी बनाना होगा देखने के बाद, जो जो फास्ट रखते हैं, फिर वो कैसे बना पाएंगे अगर मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही आप तक वीडियो पहुँचाऊँ, इसलिए आज ही बना लेते हैं। तो ये है गोले, अभी आधा किलो गोले मैं लेके आई हूँ। वो सबसे पहले मैं घिस लेती हूँ, और वो मैं इसलिए बना रही हूँ देखो, क्योंकि पाँच चार दिन पहले भी, मतलब राखी के त्यौहार पे भी मैंने आपके साथ नारियल की जो बर्फ़ी है वो शेयर की थी, लेकिन फिर ये हुआ कि उसके वो मैंने कंडेंस मिल्क के साथ बनाई थी, लेकिन हर जगह पे हर किसी के पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं होता। रुक जाओ, निश्चय बोल रहा है करेक्स खा लो जी, और इसको खुद को खाने होते नहीं है, टॉय निकालेगा और फेंक देगा बस। आप खा लो मम्मा, पापा आप खा लो, बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के। सबसे पहले तो इसके लिए नारियल घिसना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही नारियल नहीं सॉरी गोले ही चाहिए, और इसके अलावा किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलो, पानी और चीनी, ये दो चीज़ हमारे घर में होती ही होती है, तो भाई ठीक है, जब भी अपना मन करा फटाफट से बस गोले गोले मंगा लिए। और उसमें ये है कि नारियल डस्ट भी हर जगह नहीं मिलता, गांव में नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ भी शायद, मेरा तो दिल्ली का गांव है, फिर भी यहाँ भी नहीं मिला था मुझे नारियल का जो बुरादा होता है वो, तो ये हर जगह मिल जाते हैं, तो इसलिए गोले की बर्फी आज मैं बताऊँगी आपको। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, और बैठ के आराम से तब घिस लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी देर का काम है, मतलब जल्दबाजी से नहीं होने वाला, तो इसलिए बैठ के आराम से तसल्ली से कर लूँगी।
ऐसे तो छीलते जल्दी बुखार आ रहा है इसको। गुड मॉर्निंग सर। सर सर है ये सर है ये मुंह पे क्या लगा लिया फ्लैक्स लगा लिया क्या खा रहे हो? पास्ता। पास्ता? नहीं, पास्ता नहीं सब्जी। मेरे बेटा तो भाई बिना पास्ता के ही पास्ता खा लेता है। पास्ता खा लूंगा मम्मा। हाँ केक की भूखी लग रही है और केक खाते भी नहीं हो। बस केक तो कहने कहने का शौक है आपको, खाने का नहीं है बिल्कुल भी। आपने नहीं खाया ना आपका जो बर्थडे थे? फ्रिज को केक बना के काट रहे हो। बोली चीटी बुला लेंगे बोली चीटी।
सबसे बड़ी वाली चीज है ना मम्मा। हमारे चैनल का नाम क्या है? तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सब घिस लिया है मैंने, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने लगी थी। ये जो हाथ होते हैं ना, ये उसको पकड़े पकड़े बड़ा मतलब दर्द होने लग जाता है हाथों में। घिसने को तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मिक्सी का भी थोड़ा डर रहता है भाई, इतनी हैवी लोड उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी। ज़्यादा हैवी मेरी मिक्सी है नहीं, नॉर्मल अपनी सिंपल है जो घर में होती है। तो चलो मैंने हाथ से ही घिस लिया है, थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए भाई, शरीर को इतना आराम देना भी अच्छी बात नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसका सामान दिखा देती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 400 ग्राम आप कह सकते हो ये मेरा गोला होगा। आधा किलो में से सिर्फ एक गोला मैंने बचाया है, बाकी सारा घिस दिया है। एक कटोरी मैंने चीनी ले ली है, आप कटोरी का साइज़ आराम से देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं ग्राम्स में बताती तो देखो ना तो मुझे आइडिया हो पाता बिल्कुल प्रॉपर, और ना ही फिर मैं समझ आता कि भाई ग्राम्स कितना होता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि फिर भाई ग्राम्स में हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने कटोरी का अंदाजा ले लिया है। ये नॉर्मल कटोरी है जिसमें हम खाना खाते हैं डेली, सब्जी खाने के जो काम आती है वही वाली कटोरी है। तो चलो एक ये कटोरी, अगर जैसे आपने चीनी की ली है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में हो जाता है। गैस ऑन मैंने कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ, जो कटोरी मैंने ये ली थी उसी के साथ की मैंने दूसरी कटोरी ले ली है, मतलब सेम दोनों कटोरी ले ली है। ये जब पूरी भरी हुई है तो ये आधी कटोरी से भी कम पानी लेना है, इतना आप देख रहे हो, आधी कटोरी से कम पानी होना चाहिए। हो चीनी डाल दूंगी, उसके बाद ये पानी डाल दूंगी। तो आप देख सकते हो ये चाशनी मतलब हाथ अलग हो रहा है, तार इसमें नहीं निकल रहा। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये तार निकलना शुरू हो जाएगा, टाइट ये हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी तार नहीं बन रहा। तो अब इसमें तार बनना शुरू हो गया है। तो अब आप देख सकते हो एक तार इसमें बन गया है। अब ये जो घिसा हुआ गोला है वो इसमें मिक्स कर देंगे। उससे पहले गैस को बेशक आप बंद कर दो, चाहो तो मिलाने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन पहले ही कर दो। गैस कर दिए मैंने बंद और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चाशनी थी ना वो सारी अब्जॉर्ब हो गई है इसमें, तो मतलब पूरा प्रॉपर मेरा बैठा है सारा सामान। मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में फिर से कि हाँ भाई कितना सामान था। तो एक कटोरी तो थी वो चीनी की, आधी से थोड़ा कम था पानी, और चार कटोरी था गोला। ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक थाली ले लेनी है और इसको घी से ग्रीस कर लेना है। सिर्फ ये एक चम्मच घी डलेगा इसमें, एक चम्मच भी छोटी सी है। कहाँ से? अब इसको पूरी प्लेट में मैं सेट कर लूंगी। गोले वाली जो बर्फी होती है इनको बहुत पतली लेयर मतलब आपको नहीं बिछानी।
और अब इसको ढक के रख देंगे। लगभग लगभग आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा इसको सेट होने में, और ये ना भारी जम जाएगी, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सेट हो जाएगी ये। तो यहाँ पे अब मैं ये प्लेट बाहर मतलब यहाँ पे निकाल लाई हूँ। आप चाहो अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी सेट कर सकते हो, वैसे ये बाहर भी जम जाएगी, तो मैंने तो भारी जमा लिया ये। इसके बाद आपको करना ये है कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो ये बिल्कुल आसानी से कट ही जाएगी, या फिर कोई बड़ा सा चाकू है तो भी ये कट जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक बार गैस ऑन करके और इसको बस इस तरह से कर लेना, ताकि जो इसके नीचे घी है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। मैं दिखा, बस यहाँ मैंने बंद कर दिया गैस, सिर्फ एक ही मिनट के लिए आप कह सकते हो, एक मिनट भी नहीं शायद पूरी लगी होगी। मैंने इसको रख दिया था ऐसे घुमा घुमा के और फिर कर दिया है गरम। देख सकते हो आप ये बिल्कुल सेट होके मेरी निकल चुकी है। अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो लीजिए आप भी खा लीजिए, कुछ इस तरह के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, आप जैसे चाहो वैसे पीसेस काट सकते हो इसके। मैं पीस काट लेती हूँ, बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के पीसेस मेरे कट के रेडी हो चुके हैं, तो लीजिए सबसे पहले आप खा लीजिए। आपसे पहले लेकिन मैंने भगवान जी का निकाल दिया है, और आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ईजी है। और यार नहीं भी बनेगी तो भी क्या दिक्कत है, मीठा कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत क्या है, दोबारा में सही हो जाएगा, कम से कम हम सीख तो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।